जिन शासन के भीतर क्या ताकत रही हुई है, जैन धर्म का प्राण किसको कहा जाए, जैन धर्म की सर्वश्रेष्ठ परंपरा जिसको कहा जाए, ऐसा अद्भुत यदि तत्व कोई है तो वो समापना है। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं जो उवसमयी तस्य अथी आराहणा, जो न उवसमयी तस्य नथी आराहणा। पूरे साल आपने तप त्याग किया, आपने धर्म की भावना रखी, आपने दान किया, आपने प्रतिगमन सामायिक पौषण किया, आपने हर एक क्रिया आराधना पूर्वक भाव पूर्वक करी, लेकिन भद्रभाव स्वामी महाराज बारसा सूत्र के माध्यम से ये बात बताते हैं, जो उवसमयी तस्य अथि आराहणा, जो न उवसमयी तस्य नथि आराहणा, जो हृदय में एक समा का भाव रखता है उसकी ही आराधना सार्थक है, और जो हृदय में एक समा का भाव नहीं रखता उसकी आराधना निरर्थक। आप चाहे कुछ भी कर लो लेकिन आपके हृदय में यदि समा का भाव नहीं है, आप यदि लेट गो की भावना आपके भीतर नहीं है, यदि छोड़ देने की भावना आपके भीतर नहीं है, तो समझ लेना आपकी सारी आराधनाएं निरर्थक है, सारी आराधनाएं व्यर्थ है। और हमारे यहां तो यहां तक लिखा गया कि आज के समय में यदि देखा जाए तो लोग क्रिया रूपी आराधना साधना में तो बहुत जुड़ जाते हैं, बहुत तप त्याग बढ़ रहा है, चारों ओर जहां देखो सिद्धि तप, जहां देखो मासक समन, बहुत आराधना साधना बढ़ रही है। हर साल 30, 40, 50 जगहों पर उपदान, हर साल 20, 25 नवाणों, हर साल 100 से ज्यादा भी संघ, आराधना साधना बढ़ रही है, तब त्याग बढ़ रहा है। लेकिन भीतर में कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज आराधना करने वाला व्यक्ति भी भीतर में राग द्वेष लेकर के बैठा है, भीतर में पकड़ने की भावना लेकर के बैठा है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवंत ने यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया कि आप सब कुछ कर लो, लेकिन आज के दिन संवत्सरी महापर्व के दिन, ऐसे अद्भुत दिन, यदि आपने एक समापना नहीं करी। आजकल हमारी एक समापना बहुत सस्ती हो गई, किसी को एक व्हाट्सएप कर दिया समापना हो गई, किसी को एक मैसेज कर दिया समापना हो गई। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं समापना उसको नहीं जिसके साथ कोई मन मुटाव न हुआ हो, किसके साथ कोई बोलचाल न हुई हो, किसके साथ पूरे साल में हमारा व्यवहार अच्छा रहा हो, उसके साथ समापना नहीं। लेकिन समापना उसके साथ जिसके साथ कहीं ना कहीं मन मुटाव हुआ हो, जिसके साथ कहीं ना कहीं बोलचाल बनी हो, किसके साथ कहीं ना कहीं हमारे मुंह से कोई अपशब्द निकला हो, हमने किसी को दुख किया हो, हमने किसी को दुखी किया हो, हमने किसी को मन वचन काया के त्रिविध योग से अपमानित किया हो, दुखी किया हो, हर्ट किया हो, उसको समापना देने की बात हमारे यहाँ पे लिखी गई। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, समझ लेना, आज के दिन, आज के परम पावन पवित्र दिवस पर एक एक व्यक्ति को जिसके साथ मन मुटाव हुआ, जिसके साथ मन दुख हुआ, जिसके साथ बोलचाल हुई, जिसको हमने हर्ट किया, हमने किसी को परेशान किया, हमने किसी को किया, हमारी वजह से कोई व्यक्ति की आंख में आंसू आए, हमारी वजह से कोई व्यक्ति भीतर से टूट गया, हर एक व्यक्ति को याद करके समापना कर लेना। क्योंकि कहा जाता है कि साल में एक बार जो समापना नहीं करता उसका जो पाप है वो धुलता नहीं और पाप की ढेरी लग दे जाती है। और इसीलिए आज के दिन भद्रभाव स्वामी महाराज हमें सिखाते हैं, वो समयव्वम वो समाव्यव्वम खमीयव्वम खमाव्यव्वम, खमो और खमाओ, उपसम बनो, उपसामता भीतर के भी रखो और उपसम बनते जाओ, खमाते जाओ, ये भावना को भीतर में रख के आज के दिन सभी को समापना कर देना। और मैं भी कहता हूं कि हमारे पूरे श्रमण वृंद गुरुदेव की ओर से, हम सभी श्रमण वृंद की ओर से, सभी श्रमणी वृंद की ओर से, आप सभी के किसी के भी हृदय को दुख हुआ हो,
किसी के भी हृदय को हानि पहुंची हो, किसी को भी हर्ट हुआ हो, हमारी बोलचाल की वजह से, हमारे व्यवहार की वजह से, हमारे शब्दों की वजह से, हमारी वाणी की वजह से आप किसी को भी थोड़ा सा भी दुख हुआ हो, आपके नाजुक हृदय को कहीं भी ठेस पहुंची हो, तो हम सभी की ओर से मन वचन काया के त्रिविध योग से मिच्छामि दुक्कड़म। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।